नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि धान की फसल जो हमारी 60 से 70 दिन की हो जाती है, तो उस समय पर ऐसे पांच जरूरी कार्य जो आपको करने हैं। अगर आप उन पांच कार्य को करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में किसान भाइयों, तो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाइयों के साथ पे व्हाट्सएप पे इंस्टा पर शेयर करिए, जिससे जो हमारी बातें हैं, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हमारे सभी किसान भी तक तो पहुंच सके, वो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकें। तो किसान भाई, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली। इस वीडियो में हम बात करें कि धान की जो फसल है उसमें पीलापन हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ हम किस प्रकार से ले सकते हैं, और बेस्ट खाद का कॉम्बिनेशन कौन सा है, कौन सी सबसे बेहतरीन खाद है, कौन सा बेहतरीन जाइम है जिसका हम प्रयोग करके अपनी धान की फसल से अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं। तो आप इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान में जो पांच बहुत ज़रूरी कार्य है उनके पहले मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहला जो सबसे पहले नंबर पर आपको जो कार्य करना है, बहुत सारे हमारे किसान भी धान की फसल कर रहे हैं और करते हैं, बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाइयों के बेसिक सी चीज़ें पर कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ बेसिक सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर वो ध्यान नहीं देते हैं और वो टाल देते हैं, जिस वजह से किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा लास्ट में जब उनका फसल कल्टीवेशन होती है, जब फसल हार्वेस्टिंग होती है, तैयार होती है, तब उन्हें घाटा देखने को मिलता है, तब उनको याद आता है कि मैंने साथ शायद ये कार्य पहले कर लिया होता तो ये घाटा देखने को नहीं मिलता है। तो किसान भाई, आप इस वीडियो को देखते रहिएगा और जो मैं आपको कार्य बताने वाला हूँ बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बताऊँगा, अगर आप इन बेसिक सी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं और बेसिक चीज़ों पे कार्य करते हैं तो आप बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं धान की फसल से। तो सबसे पहला जो कार्य है धान की फसल में पीलापन बहुत सारे कारणों की वजह से आता है किसान भाइयों। एक तो सबसे पहला कारण होता है किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई ध्यान रखते हैं, कुछ हमारे किसान भाई नहीं रखते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, आपको धान की फसल में नमी यानी कि पानी होना चाहिए आपकी धान की फसल जब भी आप कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम होता है लेकिन कभी कभी बारिश नहीं होती है, तो इस वजह से हमारे धान की फसल में आपने देखा कि दरारें पड़ जाती हैं, जिस वजह से हमारा धान पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है और हमारी जो पैदावार जो हमने खाद लगाई होती है और उसका सही तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले सिंचाई का, क्योंकि सिंचाई एक बहुत ही ज़रूरी कार्य है हमारी धान की फसल में। तो आपको धान की फसल में नमी बनाकर रखना है, सिंचाई प्रॉपर टाइम पर करना है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आपके धान की फसल में पीलापन दिखाई देगा, उसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व ऐसे कीटों का अटैक आपको देखने को मिलेगा, जिस वजह से हमारा धान पीला होगा, बढ़वा रुक जाएगी, कहीं पे बड़ा होगा कहीं पे छोटा होगा। तो आपको ये तो पहला कार्य आपको ध्यान रखना है किसान में। उसके बाद आपको जो दूसरा कार्य करना है ये आपको ध्यान रखना है किसान में, जो मैं दूसरा आपको कार्य बताने वाला हूँ, इस कार्य पर आपको बेहद फोकस करना, बेहद ध्यान देना है, क्योंकि किसान में सही खाद का प्रयोग करना हमारी बढ़वा पर, हमारी पैदावार पर, हमारी टेलरिंग पर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारी धान की फसल 60 से 70 दिन की होती है, हमारे किसान में बहुत सारी खादों का प्रयोग कर चुके होते हैं, लेकिन इस समय पर अगर जो आप सही खाद का चुनाव करते हैं, सही खाद का प्रयोग करते हैं, तभी आप एक अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं। तो सही खाद के लिए जब आप 50 से 60 दिन की आपकी धान की फसल हो चुकी है तो आपको कौन सी खाद का प्रयोग करना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, मैं आपको खाद बताने वाला हूँ कि अगर आप इस खाद का प्रयोग करेंगे तब आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और किसान भाई, इसके बाद जो तीसरी जो सबसे ज़रूरी कार्य है किसान भाइयों की, सही कीटनाशक, सही फंगिसाइड का प्रयोग करना, क्योंकि इस समय पर जो हमारी धान की फसल 50 से 60 दिन की होती है, तो इस समय पर किसान भाइयों आपको देखा हो कि शीश ब्लाइट, पत्ता लपेट, सुंडी, तनाछेदक और शीश ब्लाइट और ब्लास्ट रोग धान की फसल में सबसे ज़्यादा लगता है, तो आपको सही कीटनाशक, सही फंगिसाइड का अवश्य प्रयोग करना है, क्योंकि इस समय पर आप नहीं करेंगे तो आपकी धान की फसल से आप अच्छा पैदावार नहीं ले पाएंगे। कुछ हमारे किसान भाई देखते हैं कि उनकी धान की फसल में शीश ब्लाइट का थोड़ा सा अटैक है या फंगस का थोड़ा सा अटैक है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं, वो सोचते हैं कि एक दो बाली जाएगी, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो किसान भाइयों, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपकी धान की फसल बर्बाद होने वाली है। जैसे ही आपको पता लगे कि आपकी धान की फसल में कोई भी बीमारी, कोई भी फंगस या कोई भी कीट का अटैक है, तो आप तुरंत ही कोई ना कोई टेक्निकल का प्रयोग करके अच्छे तरीके से आप इसका छुटकारा पाइए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा टाइम डिले कर देंगे तो आपकी जो पैदावार होगी वो कहीं ना कहीं 50% घट जाएगी। तो आपको सही टाइम पर, सही समय पर आपको फंगिसाइड और कीटनाशक का प्रयोग करना है। कौन से कीटनाशक का प्रयोग करना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। और उसके बाद में हम बात करते हैं किसान भाइयों की सही जाइम, सही पीजीआर टॉनिक का, क्योंकि हमारा जो पौधा होता है उसको इस समय पर, जब हमारी धान की फसल 60 से 70 दिन की होती है, तो उस समय पर हमें कोई पीजीआर टॉनिक या ऐसे फंगस, ऐसे हमारे किसान भाइयों को कोई पीजीआर टॉनिक या ऐसे जाइम की ज़रूरत होती है जो हमें देना चाहिए, क्योंकि हमारी धान की फसल उस स्टेज में होती है, उस समय पर धान की फसल को कम से कम 16 से 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है।
तो आपको एक कोई ना कोई सही जाइम का चुनाव करना है। और आप सही चुनाव करेंगे तभी आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे। आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, मैं आपको जाइम भी बताने वाला हूँ। अब उसके बाद किसान भी बात कर लेते हैं कि धान की फसल में सल्फर का प्रयोग, काफ़ी हमारे किसान में सल्फर का प्रयोग करते टाइम काफ़ी बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि सल्फर हमारी धान की फसल में तीन तरीके से कार्य करता है। ये हमारे फंगिसाइड भी है, कीटनाशक भी है, और ये पीजीआर टॉनिक भी है। तो सल्फर का प्रयोग हमारी धान की फसल में बेहद अति आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि सल्फर का प्रयोग हम किस प्रकार से करें। किसान भाई, सल्फर जैसे कि हमारी जो आती है, सल्फर जो आती है WG फॉर्म में आती है 80% वाली, उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। 33% वाला भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको सल्फर का प्रयोग धान की फसल में एक बार अवश्य करना है। काफ़ी हमारे किसान भी करते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई नहीं करते हैं। तो आपको किसान भाई बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारी ज़मीन में सल्फर की कमी कहीं ना कहीं पाई जाती है, और आप सल्फर का प्रयोग एक बार करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त निकाल करके देगा। क्योंकि सल्फर हमारी धान की फसल में फंगों से, जो हमारे कीट और फंगस से लड़ने में हमारे पौधे को काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। उसके कीटरोधी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और हमारी जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, जिससे हमारी धान की फसल जड़ों की अच्छी विकास होती है, और हमारा जो पौधा होता है वो एकदम स्वस्थ दिखाई देता है। क्योंकि हमारा देखा होगा कभी कभी हमारा पौधा अपसेट हो जाता है, तो आपको देखना है कि जो हमारे जो सल्फर की कमी से ये सारे कारण होते हैं, तो आपको सल्फर का प्रयोग अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि सही खाद का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, कौन से खाद का प्रयोग करें। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी धान की फसल 50 से 60 दिन की होती है, तो किसान भाई आपको ARI मिला एक कॉम्प्लेक्स नाम से आता है, तो आपको 2 किलोग्राम लेके आना है, और उसके साथ में आपको NPK 19:19 या फिर NPK 05:34 या NPK 13:045, इन दोनों में से कोई भी एक लेना है आपको। 1 से 1.5 किलोग्राम ARI मिला लेना है आपको 2 किलोग्राम, और 1 से 1.5 किलोग्राम आपको NPK 19:19 या फिर NPK 05:34। क्योंकि किसान भाई आपको देखना है कि आपकी धान की फसल हल्की ज़्यादा है, तो आपको लेना है किसान भाई NPK 19:19 कहीं पर ज़्यादा पीलापन है, या आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो चुकी है, तो आपको NPK 05:34 या फिर 13:045 लेना है। और उसके साथ में किसान भाई आपको एक इसका स्प्रे कर देना है, 2 किलोग्राम आपको 11 मिला लेना है, उसके साथ में NPK लेना है और उसकी स्प्रे कर देना है। तो आपके जो किसान भाई जो PGR टॉनिक के अगर मैं बात करूँ, तो आप PGR टॉनिक भी इसका प्रयोग कर सकते हैं जब आप खाद लगा रहे। ये तो मैंने आपको बताई थी स्प्रे के माध्यम से, जो मैंने आपको दोनों खादें बताई थी स्प्रे के माध्यम से बताई थी। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम छीटा विधि से देने जा रहे हो तो आपको कैसे करके देना चाहिए। तो किसान, जो हमारी 50 से 60 दिन की होती है, तो आपको लेना है 30 किलोग्राम यूरिया लेना है, और उसके साथ में आपको 25 किलोग्राम MOP पोटास लेना है, और किसान में उसके साथ में आपको एक दानेदार इंसेक्टिसाइड जो कि फटेरा नाम से आता है, FMC के जो कंपनी उसका फटेरा आता है, उसका लेना है आपको 5 किलोग्राम, या फिर इसके साथ में आप फिप्रोलिन रीजेंट ले सकते हैं 5 किलोग्राम। दानेदार आपको फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड लेना है, उसके साथ में कोई भी एक फंगिसाइड लेना है। और किसान भाई, इसके साथ में आपको एक जाइम अवश्य ले, जाइम की बात करूँ तो किसान भाई आप बायोबीटा ले सकते हैं, सागरिका ले सकते हैं, या फिर आता है माइक्रो न्यूट्रॉन जो कि आता है, उसका कोई भी एक अच्छी तरीके से माइक्रो न्यूट्रॉन लेने 5 से 8 किलोग्राम, या फिर बायोबीटा सागरिका 5 से 8 किलोग्राम, इन तीनों में से कोई भी एक लेके। और धान की फसल में जो सल्फर है, सल्फर 5 किलोग्राम अवश्य लीजिएगा। इन चारों पाँचों चीज़ों को अच्छी तरीके से इकट्ठा करके अपनी धान की फसल में दे दीजिए। किसान भाइयों, जो मैंने आपको जो 5 पॉइंट बताए थे, और जो मैंने आपको खाद डोज बताई है, और आप खाद के माध्यम से देना चाहते हैं तो जो मैंने डोज बताई इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो मैंने आपको खाद बताई ये आप छिट्टा विधि से दे दीजिए, अपने धान की फसल में मेंटेन रखें नमी को, नमी बरकरार रखें आपकी धान की फसल। आप इस तरीके से जो 5 कार्य मैंने आपको बताया, अगर आप इन पर सही तरीके से कार्य करते हो, 50 से 60 की जो आपकी धान की फसल हो जाती है, तो अपनी धान की फसल से बेहद कम से कम 30 से 35% एक्स्ट्रा आपका उत्पादन वो निकल करके आने वाला, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। क्योंकि ये डोज आपको कोई भी नहीं बताएगा, किसी भी चैनल पे नहीं बताएगा, ये यहाँ पे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें सभी किसान मित्र पहुँच सके और वो अपनी धान की फसल से अधिक पैदावार ले सके। धन्यवाद किसान भाई।